अयोध्या हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, पीछे से आ रही बस टकराते हुए घर में घुसी एक की मौत। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर अनोरा कलां गांव के पास सोमवार रात ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई। पीछे से आ रही यात्रियों से भरी निजी बस इससे टकराने के बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर घर में जा घुसी। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें बस चालक व कंडक्टर समेत 3 की हालत गंभीर है। पुलिस ने लोगों की मदद से यात्रियों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस सोमवार को 36 यात्रियों को लेकर देवरिया से जयपुर जा रही थी। रात करीब 9:30 बजे अनोरा कला गांव के पास इसके आगे चल रही ईंटों से ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ने बस को संभालने की कोशिश की पर नाकाम रहा। इससे बस डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ स्थित घर में जाकर घुस गई। हादसा देख हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाकाई लोगों की मदद से बस में सवार सभी लोगों को निकाला। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाराबंकी निवासी मुसीद उम्र 30 वर्ष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके साथ ट्रैक्टर पर मौजूद मनोज सिर में गंभीर चोट आने से बेहोश हो गया। बस में सवार आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए, इनमें से 3 की हालत नाजुक है। सभी घायल लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। आधे घंटे फंसे रहे घायल दरवाजा काट कर निकाला। हादसा इतना भीषण था कि बस चालक व कंडक्टर समेत कई लोग आधे घंटे तक फंसे रहे। इन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस कर्मियों ने दरवाजा काट कर इन्हें निकाला। जानकारी के अनुसार बस राजस्थान के बीकानेर निवासी प्रभु चला रहे थे, उनके भाई पवन बतौर कंडक्टर साथ में थे। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बस राजा राम नाम के शख्स के घर से टकराई, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद हुआ। इसके मुताबिक हादसा रात 9:35 पर हुआ। गनीमत रही कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। बस मालिक ने देर रात दूसरी बस से यात्रियों को गंतव्य तक भिजवाया। पलक झपकते हुआ हादसा, यकीन नहीं हो रहा जिंदा हूँ। ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे ही पलटी, बस चालक ने बचने के लिए ब्रेक लगाई। चूंकि दूरी इतनी कम थी कि पूरी तरह बस नहीं रुकी और ट्रॉली से टकराकर डिवाइडर पार कर घर में जाकर घुस गई। हादसे में बस सवार यात्री सहम गए। दहशत के पल उनके दिल और दिमाग में कैद हो गए। उनका कहना था कि पलक झपकते हादसा हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसा लगा कि जिंदा नहीं बच पाएंगे। आँख खुली तो सभी की चीखते हुए मिले। निजी बस जयपुर काम से जा रहा था, बाराबंकी में खाने के लिए बस में आकर सो गया। कुछ देर बाद भयानक आवाज आई। बस की छत से लड़कर सीट पर आया तो सभी चीख रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई कि जल्दी निकलो और भागो। एक पल को लगा कि वापस घर नहीं लौट पाऊंगा। अवधेश पटेल देवरिया। वहीं मेघनाथ गोरखपुर रहने वाले ने अपने आंखों देखा हयाल बयां किया। उन्होंने कहा कि हादसे के दौरान मोबाइल चला रहा था, अचानक सीट से गिर पड़ा और मोबाइल छूट गया। लगा कि किसी बड़े पत्थर से टकरा गई। एक पल को तो जिंदा बचने की उम्मीद ही नहीं थी। बस रुकी तो बाहर निकला और सबसे पहले घर वालों को कॉल कर हालचाल बताया।